हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सोनी टीवी की पॉपुलर सीरियल सीआईडी में फ्रेडरिक्स के किरदार में नजर आने वाले एक्टर दिनेश आज करोड़ों फैंस के दिलों में बस चुके हैं। लोग आज भी उनका किरदार भूल नहीं पाए हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी उन्हीं की ही लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनका रियल नेम है दिनेश फर्नेस। उनका निकनेम है फ्रेडी। सेकेंड नवंबर 1966 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है बिहार। उनका हाइट है 5 feet 9 inch और उनका वेट है 57 kg। उनका फिगर मेजरमेंट है 40, 12 and 32। उनका जोडाइक साइन है स्कॉर्पियो। साल 2023 में उनका रियल एज हुआ था 57। बहुत ही दुख के साथ आपको बताते हैं कि 4 दिसंबर 2023 को दिनेश अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके को स्टार दया शेट्टी ने बताया है कि दिनेश कई दिनों से लिवर के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। इसी बीच हार्ट अटैक होने के बाद उन्हें मुंबई के तुंगा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आखिरकार मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के जरिए उनका निधन हुआ है। उनकी हॉबी से एक्टिंग, पेंटिंग और उन्हें घूमने जाना बेहद ही पसंद था। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने मुंबई की चोगड़े हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। उनकी प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक एक्टर और राइटर थे। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। साल 1993 में उन्होंने हिंदी सीरियल फैसले के साथ अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद से ही उनकी पॉपुलैरिटी दुगनी होती चली गई थी जब उन्होंने सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स के किरदार में नजर आने लगे थे। साल 2018 तक वो द पुलिस प्रोसीड्यूरल में कास्ट मेंबर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्टर श्रीराम राघवन के साथ कई एपिसोड्स के को राइटर भी थे। साल 2012 में वो टीवी सीरीज अदालत में भी इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स के किरदार में नजर आए थे। साल 2014 में वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी नजर आए थे। साल 2019 में वो CIF में कांस्टेबल शंभू तावरे के किरदार में नजर आए थे। साल 1993 में उन्होंने मराठी फिल्म भरला हर मलावद रक्तन के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। इसके बाद उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में काम करने का मौका मिल गया था। इसके अलावा वो धर्मेश दर्शन की फिल्म मेला में भी नजर आए थे। साल 2001 में उन्होंने फिल्म ऑफिसर में भी छोटा सा किरदार निभाया था। इसके अलावा सुपर 30 फिल्म में भी दिनेश ने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था। चलिए देख लेते हैं उन्हें अभी तक कितने अवार्ड्स मिले हैं। साल
दिनेश को सीआईडी में अपने किरदार की वजह से सिनेमैटिक पिक्चर्स अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने नैन नाम की एक लड़की से शादी रचाई थी और कपल की एक बेटी भी है जिनका नाम है तनु। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात की जाए तो पार एपिसोड के लिए वो 70,000 रुपीस लेते थे। उनका नेट ओर था 6 करोड़। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास मारुति सुजुकी सेलेरियो मॉडल की कार थी जिसका कीमत था 6.6 लाख। चलिए जान लेते हैं दिनेश फर्नेस के बारे में कुछ अनकही बातें। उनका जन्म बिहार में ही हुआ था और उनकी परवरिश भी बिहार में ही हुई थी। साल 2001 में वो फिल्म ऑफिसर में नजर आए थे जहां पर उन्होंने सुनील शेट्टी और रवीना टंडन के साथ काम किया था। उन्हें पोएम और स्टोरीज लिखना बेहद ही पसंद था, यहाँ तक कि उन्होंने मराठी फिल्म में भी कई स्क्रिप्ट लिखे थे। आप कह सकते हैं कि पोएम्स लिखना और स्टोरीज लिखना उनका एक पैशन था। अपने आप को फिट रखने के लिए वो हर रोज वर्कआउट करते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं कि दिनेश ने सीआईडी के कई सारे एपिसोड्स भी लिखे थे। उन्होंने कई सारे फिल्मों में कई सारे स्टार्स के साथ काम किया था। फिलहाल वो हमारे बीच नहीं रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।